भिलाई निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने निगम को आर्थिक रूप से सबल बनाने हेतु संपत्ति कर की वसूली शत प्रतिशत हो इसके लिए समय समय पर राजस्व करों की वसूली की समीक्षा करते हैं। इसी दौरान उन्होंने संपत्ति कर विभाग को निर्देशित किया था कि लंबे समय से निगम का टैक्स जमा नहीं करने वाले भवन स्वामियों की सूची जोनवार प्रस्तुत करे। उसी आधार पर नगरपालिक निगम भिलाई क्षेत्र के 56 भवन स्वामियों द्वारा लंबे समय से संपत्ति कर की राशि जमा नहीं करने पर आयुक्त ने कुर्की वारंट जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्य हेतु कुर्की अधिकारी धीरज साहू की नियुक्ति की गई है। सभी देनदारों से संपर्क कर 30 जून तक राशि की वसूली करने की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम भिलाई द्वारा कुर्की नोटिस जारी किया गया है। बहुत सारे ऐसे थे जो लोग बार बार सूचना देने के बाद भी, बार बार नोटिस देने के बाद भी अपना पुराना ड्यूज नहीं क्लियर कर रहे थे। ऐसे लोगों को नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 174 के तहत पैसा जमा करने की नोटिस दिया गया था। उन्होंने सही समय 30 जून तक निर्धारित समय के अंदर पैसा जमा नहीं किया। उसके बाद नियमानुसार उनको जो है 1956 की धारा 175 के तहत कुर्की वारंट जारी किया गया है कि अब अगर वो कुर्की वारंट किया जाएगा, जाकर के उनके द्वारा पैसा अगर नहीं जमा किया जाएगा तो सीलिंग की कार्रवाई होगी।